हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और भाई समय हो रहा है 10:11 और आज व्लॉग थोड़ा सा लेट आएगा क्योंकि सुबह 5 बजे से दिन के 2 बजे तक की लाइट की मेंटेनेंस चल रही है। फोन करके मैंने दो दो तीन तीन बार पूछा है तो यही जवाब आ रहा है। तो भाई मैं रात को 2:30 बजे सो गया था, सुबह सोचा 6 बजे उठूंगा, लोड कर दूंगा 10 मिनट 15 मिनट में, फटाक से काम हो जाएगा। पर सुबह 5 बजे से लाइट गोल, इसी कारण समस्या है। सब कुछ लाइट पंखा बंद है, सिर्फ फट रहा है गर्मी से। हमारा बैटरी वाले बल्ब की देखो बैटरी भी थोड़ी सी बची पड़ी, बस इतना ही दिए जैसा जल रहा है। तो इस कारण से थोड़ा सा आज ब्लॉक लेट आएगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लें भाइयों। और गर्मी से ना सिर बिल्कुल फट रहा, बाहर भी गर्मी और अंदर भी गर्मी, करें क्या समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ अंधकार में बैठो, नहीं तो बाहर गर्मियों में लू की तपट खाओ, क्योंकि 10 बजे भी लू चलना चालू हो चुकी है। भाई साहब के लिए बन गया उपमा, उपमा खा के भाई साहब जाएंगे ऑफिस। पर भाई थोड़ा सा ये वाटर मेलन भी खिला दो, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और उसको काटेंगे तो हम लोग भी खा लेंगे। भाई ये बहुत ज्यादा चिल नहीं है, बाहर चुनका में रखा था, इसको फ्रिज में रखना ही भूल गए हम लोग। इसको काटते हैं और सब लोग करते हैं भंडारा। आह ये देखो गाइस क्या लाल लाल बढ़िया। और अंधेरा आ रहा था तो मैंने टॉर्च चालू करके मस्त वीडियो बना रहा हूँ। और ये शानदार हमारा कटा और सब में बटेगा। ये लो लाल ही लाल, कलिंदे कलिंदा खाओ और ठंडा हो जाओ मस्त। चलो उसको फटाफट काटते हैं। अरे इसमें बीजा कम भी है यार, बीजा बहुत कम है। ये लो ये लो ये लो, फटाफट 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 सब कट जाएगा। भाई साहब हो गए हैं तैयार, मस्त बिंदास पर्सनैलिटी, एक नंबर की हमारी लेमन कलर की शर्ट, बहुत शानदार। आपके उसमें हमने वाटर मेलन डिब्बे में रख दिया, पानी रख दिया है और तो क्या बोलते हैं सैनिटाइजर रख दिया, सब कुछ भर दिया बैग में, ठीक है ना। बहुत धन्यवाद भैया। और धूप कितनी तेज लग रही है, दैया 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 हो रही है। चलो मैं गेट खोलता हूँ। ये बहुत हड़बड़ाए रहते हैं, ऐसे प्रकट हो जाते हैं, जब तक नहीं दिखे ना एकदम से प्रकट हो गए, नहाते धोते प्रकट हो जाते फटाक से। चलो गेट खोले, बाहर आ जाओ। गाइस लाइट आ चुकी है और 2 बजे का बोल के 4 बजे लाइट आई भाई, 2 घंटे लेट। और 5 मिनट हो चुके हैं अभी, मैं कपड़े वपड़े पहन के तैयार हो गया, नहा धो का फुर्सत हो चुका हूँ। और लाइट नहीं थी तो क्या करते भाई, खूब सारे कपड़े रखे थे हमने बाल्टी में डुबो डुबो के, मुंगरिया मार मार के, टंकी के पानी से धो के, फुर्सत हो गया। कम से कम एक काम लाइट ना होने की वजह से निपट गया है ना। अब लाइट आ गई है, फटाफट व्लॉग को अपलोड करते हैं। लंच करने में ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं। सुबह हमने खरबूजा खाया था, बोले तो वाटरमेलन, उसकी दम से हम टिक गए। अब थोड़ी सी भूख लगी है तो खाना खा लेते हैं भाई। खाना खुद को निकालना पड़ेगा, कढ़ाइया रखी तो पापड़ तलते हैं और दाल चावल गर्म करते हैं। और आम की मीठी वाली चटनी बनी जो पूरे घर में गमक रही, बहुत शानदार, तो उसको फटाफट खाने के लिए थाली तैयार करते हैं। खाना हमारा गर्म हो गया, मिक्स करके एक थाली में निकाल लिए। ये देखो मसाला दाल, चने की दाल और बाकी दाल मिला के बनाई गई है पापड़। और ये हमारी मीठी चटनी शानदार आम की। तो भाई ये बहुत थाली गर्म, इसलिए इसको मोबाइल रखकर फिर उसको उठा के ले जाएंगे आराम से। चलो चलते हैं, भोजन करते हैं। हो गई है शाम, कितनी मस्त अंधेरी वाली। और गाइस अब जा रहे हैं मार्केट, यहाँ से 1 किलोमीटर वाले डिपार्टमेंटल स्टोर से दूध दही छाछ और फल ये खरीद के लाते हैं, क्योंकि दूध हो गया ख़त्म, चाय नहीं मिली है, मम्मी का दिमाग भन्नाया है। ये भाई साहब बहुत काम चोर हो गए, ये बिल्कुल दूध लेने यहाँ वाले दुकान पर नहीं जा रहे हैं। और दिन में इनको मम्मी ने बोला था कि बैग लेके जा रहा, पैकेट लेके आ जाना, बस आए और खाए और बैठे आराम से, जा ही नहीं। वो तो मैं जाऊँगा तो मार्केट में जाऊँगा, साथ में चलेंगे साथ में। अरे हम तो काम कर रहे थे लैपटॉप पे, तुम्हारे चक्कर में एक पैकेट दूध तुम्हारे चक्कर में लेट, नहीं नहीं एक पैकेट दूध जो है वो बैग में आ सकता है, पर ये बोलते पूरा ताम झाम लेके ही आएंगे इकट्ठे। घर आया था खाना खा के, वापस जाने के चक्कर में वापस जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। हम लोग मार्केट पहुंचे और भाई साहब देखो शॉपिंग के लिए वो डिब्बा देखना चालू कर दिया है। काय का डिब्बा, टोकनिया टाइप की दिख रही है मेरे को तो यार। मसाले का है आज, खाने का कहाँ टिफिन होगा। सुनो तो अपने पेटू आदमी के लिए इतना बड़ा टिफिन नहीं लगता भाई। सही बात है, इतना तो खरबूजा लग जाता है। पर अच्छे अच्छे आज देखो छोटे छोटे डिब्बे यार, बढ़िया लग रहा है भाई, वाइट वाला ना सबसे प्यारा लग रहा है। सही बात है, अच्छा लग रहा है यार, ले रहे हैं पहले समझे तो उसमें रख करना रहा है। इतने सारे डिब्बे रेक में पड़े पड़े सड़ रहे हैं। नहीं वो जो बड़ा वाला डिब्बा तुम ढूंढ रहे थे, कौन सा बोले थे सुबह खरबूजा रखने का, सेंगा सेंगा बोतल जैसा, वो देखो ना कहाँ है, आओ पीछे देखो, पीछे देखते आओ भाई। बिल्कुल सही समय पर आए हैं। 2 लीटर छाछ, कितनी लीटर बची है, 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर छाछ बची है, बिल्कुल सही समय पे। अरे हमारे से पहले कोई कैंडिडेट आ जाता ना तो छाछ ना मिलती,
और दूध है यहाँ पे अभी। छाछ भाई साहब को पीनी है ना वो यही मिल रही, बड़े वाले स्टोर में तो छाछ मिल ही नहीं रही थी। तो भाई ये देखो बाकी मार्केट घूमने से अच्छा है पहले इसको भरो, इसकी बिलिंग करा के काउंटर पर रख देते हैं, उसके बाद फिर कुछ काम करेंगे अपन, नहीं तो कोई और आ जाए। सही बात है, कितने पूरा ले ली छाछ, पूरा छाछ बटोर लिया गाइस। हमने छाछ और दूध को बिल करा के ट्रॉली में रख लिया है और उसके बाद हम जा रहे हैं दूसरी जगह दूसरा सामान देखने के लिए। आओ अंदर चलते हैं और दूसरा सामान देखते हैं। भाई साहब को वो डिब्बा चाहिए ना, उसके लिए मेन अंदर जाना पड़ेगा, वहीं मिलेगा अंदर। भाई टीका को तिरछा सा लग गया, मैं जल्दबाजी में लगाया और तिरछा लग गया। और ये मार्केट भाई अपने लिए बहुत अच्छा है, हम ये मार्केट शुरू से आ रहे हैं और हमारे घर के 1 किलोमीटर मात्र पड़ता है ये मार्केट, और यहाँ पे हर सामान मिल जाता है आराम से। भाई पेपर कप देखो इतने अच्छे स्टैंडर्ड डिब्बे में आने लगे यार, कितने अच्छे ब्रांडेड डिब्बे में बढ़िया आ रहे, तो अपन को थैली में मिलते थे पहले देखने को। ये देखो कितने बढ़िया 50 का पीस है और अच्छा चीज है यार, बढ़िया चीज है। ये तो अपन लूज मार्केट में खरीदते तो पन्नी में नहीं दे देते थे पेपर कप, अभी भी मिलते हैं, अभी भी मिलना है ये मैंने अभी देखा, अभी मार्केट में देखा मैंने ये पेपर कप ऐसे ब्रांडेड में, क्वालिटी हाई है मेरे ख्याल। हाँ अच्छा है, अच्छा दिख रहा है भाई, इस तरह से अभी पैकिंग आने लगी है ना अपने को, अभी ट्रैवलिंग में चलेंगे तब ले लेंगे, अभी काहे के लिए ले रहे हैं गाइस, फालतू पैसा बर्बाद करने के लिए भाई साहब का ना मन करता रहता है। चलो अब दूसरा सामान देखते हैं। ये देखो यार फिर आ गए ये नमकीन बिस्किट वाले सेक्शन में, और इतना सामान रखने के बाद ये बिस्किट नमकीन खाना नहीं छोड़ेंगे और लेंगे। भैया रहम खाओ, मीठा है बहुत ज़्यादा, मीठा है, मीठा है बहुत ज़्यादा, मीठा है, नमकीन लो, मैं तो मतलब वो वाला लो ना कोकोनेक वाला नमकीन वाला, नमकीन और मम्मी बोली मीठा ना बिस्किट नहीं लेके आना, बिल्कुल नमकीन लेके आओ तो चलेगा, नहीं तो मीठा नहीं खाएंगे। मक्खन और जीरा वाला है। हाँ बढ़िया ले लो, एक पैकेट लेके टेस्ट करेंगे, नया ब्रांड हो भैया, ब्रांडेड हो तो नया ले लो, उसके बाद दूसरा टेस्ट कर लेना। मार्केट से दूध भी ले आए, गर्मा गर्म चाय चढ़ा दिए, देखो खोल रही है बढ़िया मस्त, खदर 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 खदर, और यहाँ दूध ही बैठा दिए हैं भाई साहब, जब तक दूध दूध के छाछ वाछ के पैकेट वैकेट धो के फुर्सत हुए, हमारा काम इतना जल्दी फुर्सत हो गया, मस्त चाय आराम से उबल रही है और खुशबू पूरे कमरे में फैल चुकी है, दूध गर्म हो जाएगा, मलाई जमेगी और रात को मलाई दूध की चाय नहीं पिए इतना फट रहा है, मजा नहीं आ रहा, अब जब अच्छे अदरक वाली चाय पियेंगे तब दिमाग शांत होगा। तो भैया हमने बैठा दी जी, आ गए हाथ लगाने के लिए, अब ये बोलेंगे चाय हमने बनाई है, नहीं नहीं चाय हमने चढ़ाई है, मालिक जी को चाय हम देंगे, भाई तुमने बनाई तुम ही ने बनाई है, चलो खोल गई फटाफट उतारो और गिलास में छानो। 9:55 हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भाई साहब बताएंगे, भाई साहब बताओ। भाई 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 साहब का फोन आया हुआ है जिसके उनके पास एक डॉक्यूमेंट है जिन पे इन्हों को साइन करना, डॉक्टर नितेश पांडे जी को साइन करना, बहुत कीमती साइन है तुम्हारे तो कसम से, बेचारे वो परेशान हो रहे हैं, तो हमने कहा है कि आप मदामन स्टेशन पहुंचिए, हम लोग भी वहीं आ जाते हैं, ये वहीं पे जा करके साइन कर दें, फिर आप वो डॉक्यूमेंट लेकर के जबलपुर के बाहर जा रहे हैं, उनको ट्रेन पकड़ना है, तो हमने कहा आप परेशान मत होइए, हम लोग स्वयं आपके पास आ रहे हैं, और भाई साहब इनके सिग्नेचर बहुत कीमती है, परेशान हो रहा था, वो दिन में ही आ रहे, पर दिन में जो ऑफिस में था तो मुझे सूचित नहीं किया था, मैं दिन में टैक्सी पकड़ जाके साइन कर रहा था, पर वो इतने बिजी थे, फिर शाम को उनका कॉल नहीं, अब कॉल आया भड़को भड़बड़ाते हुए, बोला भैया 11 बजे की गाड़ी है, रिजर्वेशन है, कल आखिरी तारीख, आपके साइन चाहिए किसी भी तरीके से, मैंने बोला मैं अब भी आता हूँ और आपको फटाफट एक साइन देता हूँ, उसके बाद तुरंत वो गाड़ी पकड़ के निकलेगा, उनका फोन अभी बजी रहा था, भैया कहाँ तक पहुंचे, मैंने रुको बस आई रहा, 5-7 मिनट में पहुंच जाएंगे, चलो अपन चलते फटाफट चलते हैं। भैया इनके सिग्नेचर बहुत कीमती है वाकई। And I don't really know what comes next, I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test, that I feel so depressed when I can't seem to get out. गाइस समय पर काम हो चुका है, मेरे साइन होकर कागज डॉक्यूमेंट रवाना हो चुके हैं, भाई साहब जबलपुर स्टेशन से गाड़ी पकड़ेंगे और अपना काम कल सुबह तक हो जाएगा। और अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात है भाई, हमने 2 दिन पहले मम्मी की दवाई का ऑर्डर डाला था, तो वो दवाई बहुत ज़रूरी है, मम्मी जी रोज़ खाती हैं, तो वो दवाई आ चुकी है, और अब भी भाई साहब का कॉल बजा कि भैया दवाई आ गई, आके ले जाओ, अपन यहाँ से चल रहे हैं सीधे विजयनगर, वहाँ पर अपन दवाई लेते हैं, उसके बाद फिर काम फुर्सत होते हैं, फिर आगे का देखते हैं, दूसरा कोई काम ना निकले, क्योंकि ऐसे फ़ोन बज रहा टन 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 टन, ऐसा एक बार एक आध दो बार काम और आ जाए रात तक, तो चलो यहाँ चलते सीधे विजयनगर। Thank you.
सब काम निपटा के हो गए फुर्सत। और अभी ठीक 12 बज चुके हैं गाइस, अब डिनर की बारी आई है। थाली हाथ में ये है छाछ वाली कढ़ी, गर्मा गर्म पापड़ और गर्मा गर्म चावल। मम्मी जी ने चावल अब भी बिल्कुल गर्मा गर्म बनाया कि हम लोग को थोड़ा सा ठंडा ना मिले और स्वादिष्ट लगे खाना मस्त। तो छाछ वाली कढ़ी बिल्कुल खट्टी खट्टी मस्त लगेगी। भाई साहब बैठ गए खाना खाने के लिए, अपन भी चलते हैं और फटाफट खाना पेट के अंदर करते हैं क्योंकि रात के 12 बज चुके हैं, भूख भी बहुत जोर से लगी है। गाइस अभी पूरा ब्लॉग एडिट नहीं हुआ है, उसके पहले ही नींद के झोंके इतनी तेज आ रहे हैं कि बर्दाश्त होना मुश्किल है। मोबाइल में वीडियो इधर उधर डिलीट हो जाए, इससे अच्छा मैंने मोबाइल बंद करके रख दिया है। अब मैं सीधे लंपा लेट होता हूँ और सो जाता हूँ, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठूँगा और पूरा ब्लॉग रेडी करके फुर्सत कर दूँगा। अब नींद कितने बजे खुले ये भी मुझे नहीं पता, पर अलार्म मैंने लगा लिया है 5 बजे 6 बजे का, तो इतने टाइम में हो जाएगा काम। तो आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय।